नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बावड़ी की छत धंसने से 36 लोगों की मौत हुई, उसे नगर निगम ने ही बंद कराया था। इसकी वजह थी बावड़ी का सुसाइड पॉइंट बन जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर को भोपाल के रानी कमलापति से शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान शहर के अलग अलग स्कूलों से 216 स्टूडेंट्स को वंदे भारत में सफर करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री इन बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद यहां बच्चे ट्रेन में बैठकर रवाना होंगे। राज्य सरकार की तिजोरी का तालाब 1 अप्रैल को खुलेगा। इस स्थिति में जब सरकारी लेन देन पूरी तरह से बंद है, यदि जरूरी काम के लिए पैसा चाहिए तो वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होगी। प्रदेश में यह स्थिति पहली बार बनी है जब 10 दिन पहले से तिजोरी बंद कर दी गई है, यानी बजट जीरो कर दिया गया है। यहाँ हालात यह है कि मार्च के महीने में 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। वित्तीय स्थिति इसलिए गड़बड़ाई क्योंकि सरकार की विभिन्न संसाधनों से आय कम और खर्च ज्यादा रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार सुबह इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल पहुंचकर श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया तथा शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का मुआयना भी किया। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इंदौर पहुंचेंगे और पीड़ित के परिवार से मिलेंगे। इससे पहले गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। अब ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे का ढेर नहीं लगा करेगा। हर रोज निकलने वाले 40 टन कचरे के प्रतिदिन निपटान के लिए यहां पर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है। इस प्लांट पर 8 करोड़ से अधिक की राशि खर्च किए जाएंगे। इसका करीब 75% काम पूरा भी हो चुका है। अप्रैल माह में यह प्लांट काम करने लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी प्रदेश के साथ।